छपरा में हुए नाव हादसे की खबर की पुष्टि जिलाधिकारी अमन समीर ने कर दी है। उन्होंने बताया कि इस घटना में पीड़ित सभी मजदूर हैं, जो प्रतिदिन सुबह में दियारा क्षेत्र में सब्जी की खेती करने जाया करते थे और शाम को घर वापस लौटते हैं। इसी बीच नदी में नाव हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि नाव पर कुल 19 लोग सवार थे, जिनमें से 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लोगों का शव बरामद हुआ है। वहीं 7 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जिला प्रशासन, SDRF की टीम एवं स्थानीय लोगों की सहायता से की जा रही है। घटना हुई है तो इसमें क्या जानकारी पहले से आ रही है? अभी हम लोग जो स्पॉट पे हैं और यहाँ पे जो ग्रामीण हैं उनसे भी हम लोग बात किए हैं और जो बोट पर थे कुछ उन लोगों से भी बात की गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि सुबह जो है ये लोग डेली वहाँ पे खेती करने जाते थे और शाम में वापस आते थे और आज इसी क्रम में जो है उस बोट के करीब जो नाविक थे उसको लगा के जो है वो टोटल 18 और थे, 19 लोग थे। 19 में से जो है वो अभी जब जानकारी हम लोगों को मिली है उसमें 10 लोग जो है वो बच गए हैं, 2 लोगों की जो है मृत्यु हो गई है, 7 की जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग अभी कर रहे हैं। आगे जो भी जानकारी मिलेगी आप लोगों के साथ से। सर कितने बॉडी रिकवर किए गए हैं अभी तक? 2 बॉडी रिकवर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।